हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारे एक क्लाइंट का कॉलम का यहाँ पर ब्रिक फ्लैट स्वेलिंग चल रहा है। ये आप उसका देख सकते हैं, कॉलम का लेआउट प्लान है। ये एक हॉल का लेआउट प्लान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुटिंग है 4.5 बाई 4.5 की। इसके अंदर में हम लोगों ने बालू भरा हुआ है जो कि 3 इंचेस थिक है। इसके ऊपर में फिर हम लोग ईटा का स्वाइलिंग करेंगे जो कि 3 इंचेस का होता है, टोटल 6 इंचेस हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, लोड ट्रांसमिशन में, जिसमें हमारा स्लैब से, बीम से, कॉलम से हमारा जो नीचे का जाली होता है उस पर लोड ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से लेबल्ड कर देते हैं हम लोग सैंड को, और सैंड को लेबल करने के बाद में जब एक एक करके ब्रिक का हम लोग इसको अच्छे से लेबल में बैठा रहे हैं ताकि हमारा जो लोड हो वो प्रॉपरली ज़मीन तक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो हमारा एक लेबल्ड सरफेस हमको मिले जो कि बराबर में रहे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा ऊपर नीचे हो जाता है कोई स्ट्रक्चर का कॉलम तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है बाद में जा कर के। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें अच्छे से ब्रिक को बैठाया जा रहा है। कभी भी घर करवाएं तो इस तरीके से फ्लैट सॉइलिंग किया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में ये इस तरीके का फ्लैट सॉइलिंग, ब्रिक फ्लैट सॉइलिंग नहीं होता है। वहाँ पर डायरेक्ट मोटे लेवल पे PCC किया जाता है जिसका थिकनेस ज़्यादा होता है। कम से कम आपको 1 फीट का थिकनेस मिलता है वहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है हमारा।